अब दूसरी सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर पेक्सिस मामले पर सुनवाई हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना और इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इनकी ट्रिपल बेंच ने मामले को सुना। केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो बोले कि अदालत को ये नहीं बताया जा सकता कि पेगासस का इस्तेमाल किया गया है या नहीं, क्योंकि आतंकवादी इसका फायदा उठाकर अपनी कम्युनिकेशन सेटिंग बदल लेंगे। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, इसलिए पब्लिक डिबेट का हिस्सा नहीं हो सकता। सरकार प्रस्तावित टेक्निकल कमेटी के सामने सारी जानकारियां रखने को तैयार है। इस कमेटी में शामिल लोग निष्पक्ष होंगे और अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप देंगे। हम अदालत की कार्रवाई के बारे में आपको और जानकारियां देंगे, लेकिन पहले रुककर सरकार के जवाब की चर्चा करते हैं। सरकार ने एक सीधे से सवाल के जवाब को इतना घुमाया कि मुद्दा बदल गया। पेगासस खुलासे और उसके बवाल का संबंध ऐसी जासूसी से नहीं था जिसे जायज ठहराया जा सकता है। मिसाल के लिए आतंकरोधी कार्रवाई और सामरिक दृष्टि से दूसरे देशों में की जाने वाली जासूसी। भारत में दवायर समेत पेगासस प्रोजेक्ट में शामिल तमाम समाचार संस्थानों ने पहले दिन ही साफ कर दिया था कि इस तरह की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। पेगासस खुलासे के बाद हमारे सामने असल मुद्दा ये था कि एक ऐसी तकनीक जिसका इस्तेमाल सिर्फ अभूतपूर्व स्थितियों में आतंकवादियों के खिलाफ होना चाहिए, क्या उसके निशाने पर पत्रकार, जज, विपक्षी नेता, सत्ता पक्ष के नेता और सेना के अधिकारी भी थे। सरकार को इन लोगों की जासूसी की क्या जरूरत महसूस हुई? ये किसी ने नहीं कहा था कि आतंकवादियों के खिलाफ पेगासस जैसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और रही बात आतंकवादियों के सेटिंग बदलने की, तो सॉलिसिटर जनरल साहब ने शायद अखबार नहीं पढ़े। फ्रांस में सरकारी जांच एजेंसियों को पेगासस के इस्तेमाल के सबूत मिल गए हैं। ये सोचने वाली बात है कि वो कौन से आतंकवादी और उनके सरगना होंगे जो इस जानकारी के बाद भी पुरानी सेटिंग पर ही बात कर रहे होंगे। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है, ये मसला है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक के गलत इस्तेमाल का, और इसीलिए ये पब्लिक डिबेट का मुद्दा है। सरकार कह रही है वो कमेटी बनाएगी और ये भी कह रही है कि कमेटी निष्पक्ष होगी। ये कौन सी दुनिया में संभव है, सरकार को बताना चाहिए। अब लौटते हैं आज की सुनवाई पर। 16 अगस्त को सरकार ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया। इसमें इस सवाल का जवाब नहीं था कि सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल किया या नहीं। कल की सुनवाई के बाद अदालत ने नरेंद्र मोदी सरकार से पूछा था कि क्या वो एक और हलफनामा दाखिल करना चाहेंगे, और इसके बाद आज की तारीख तक के लिए मामले को मुलतवी कर दिया गया था। सरकार ने आज अदालत को बताया कि 16 अगस्त वाले हलफनामे में सारी जानकारियां हैं, दूसरे हलफनामे की जरूरत नहीं है। आज की सुनवाई के बाद अदालत ने केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है और 10 दिन के भीतर याचिकाओं में अपने पर लगे आरोपों का जवाब अदालत में दाखिल करने को कहा है। चलते चलते आपको इसी मामले से जुड़ी एक दिलचस्प बात और बता दें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और भाजपा के संगठन मंत्री रहे के एन गोविंदाचार्य ने कहा है कि पेगासस का इस्तेमाल आम लोगों के जीवन और स्वतंत्रता पर आज तक हुआ सबसे बड़ा हमला दिख रहा है। उन्होंने इसे साइबर टेररिज्म का प्रकार बताया। गोविंदाचार्य ने यह भी मांग की कि 2019 में पेगासस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई उनकी याचिका पर फिर सुनवाई हो। 2019 में खबर आई थी कि पेगासस का इस्तेमाल आम लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने के लिए हो रहा है, और इसी संबंध में गोविंदाचार्य की याचिका दाखिल हुई थी जो अदालत ने खारिज कर दी थी।